हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पास ये FND का एक मॉडल बनने के लिए आया है, जिसका मॉडल नंबर है A350U। इसमें कस्टमर का कहना है कि जब मैं दोनों स्पीकर से ट्रैक लगाता हूँ आउटपुट पे, तो मेरा सेट ये स्टैंड बाय से ऑफ़ हो जाता है, ये फिर ऑन ऑफ़ होता है। देखिए, मैंने इसे खोल रखा हूँ, तो जैसे ही इसमें आवाज़ तेज होता है, ये सेट फिर स्टैंड बाय में चल जाता है और फिर से ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अभी इसका पावर सप्लाई चेक किया है, इसके पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, इसका SMPS है कि SMPS में देखिए क्या है। इसका ये जो एरिया है SMPS का, यहाँ पर ये देखिए ट्राई सोल्ड है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई सोल्ड है। ये ऊपर से सोल्ड में था, जब आवाज़ तेज होता है तो इसके अंदर में स्पार्किंग होता है, जो ये स्पार्क ये सप्लाई ड्रॉप कर देता है 14 वोल्ट, सप्लाई छोड़ के फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसका ये SMPS अब निकाल रहा हूँ, और SMPS निकाल के उसके बाद फिर से मैं इसका SMPS लगा दूँगा। मैंने इसका SMPS निकाल दिया है, ये रहा। मैं इसके SMPS को इसकी टांगों, ये मैंने इसका SMPS ब्लेड से मार दिया है। मैं इस SMPS को ही लगा देता हूँ। एक ही हाथ से करना पड़ रहा है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रहा है, मेरा स्टैंड टूट गया है, इसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये मैंने लगा दिया है SMPS, देखिए। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ये 4.7 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसे भी आता है, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसकी जगह अगर 15 ओम लगाइएगा तो ऊपर भी ये दिक्कत करेगा। यहाँ 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे ये यहाँ 14 वोल्ट की सप्लाई आती है। अगर 14 वोल्ट से कम सप्लाई आएगा तो ये जैसे आवाज़ आप बढ़ाएंगे तो ये स्टैंड बाय में सेट चला जाएगा, फिर से फिर आप चालू होगा। ये प्रॉब्लम इसी से आता है FND में। अब मैं इसे लाइन दे रहा हूँ और वोल्टेज फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसे लाइन दे रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए लाइन दे दिया हूँ। अब मैं इसका वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ एक बार आपके। देखिए 14.33 वोल्ट है माइनस, और 14.26 है प्लस वोल्टेज। ये जब SMPS ट्राई हो जाता है तो यहाँ वोल्टेज आपको आता रहेगा, लेकिन जैसे ही आवाज तेज कीजिएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, दोनों सप्लाई फिर स्टैंड बाय में चल जाएगा। ये मेरा बिल्कुल ओके है सप्लाई।
हम इसे बजा के एक बार देख लेता हूँ। ये मेरे दोस्तों आवाज़ आ रहा है, वो देखिए बज रहा है। ये देखिए मेरा इंडिकेटर चालू है। ये सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। मॉडल आप देख सकते हैं 385 है। और ये इसके पावर सप्लाई में आईसी यूज होता है, 8 पिन का आईसी है, 18818 है, और मॉस्फेट 4N65 है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।